बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं जीनोम की, तो हम जब भी देखते हैं तो इनसाइड न्यूक्लियस हमारे पास जो सेल के अंदर मौजूद डीएनए है वो ओपनली मौजूद नहीं होता, ठीक है? और वो हमारे पास मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ इन कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है? अब वो हमारे पास, अगर हम इससे पहले सबसे पहले एक छोटा कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर हम सेल को ओवरऑल देखें, ठीक है, तो हमारे पास इट इज जो हमारे पास यूकेरियोटिक सेल होता है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोमीटर इन डायामीटर हमारे पास क्या होता है, ऑन एवरेज होता है, ठीक है? इसमें हमारे पास कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर यही हम सिनेरियो देखते हैं, अगर हम इसके न्यूक्लियस के केस में, तो हमारे पास इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर तक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो न्यूक्लिक जो होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें हम डीएनए जिसकी बात करते हैं, तो अगर हम इसको ओपन अप करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 2 मीटर तक हो सकती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है हमेशा कि हमारे पास ये 2 मीटर जो हमारे पास जो लेंथ का हमारे पास डीएनए है, ये 5 माइक्रोमीटर डायमीटर के एरिया में कैसे आ सकता है। तो उसके लिए हमें जो है जरूरी है इस कंसेप्ट को समझना कि जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कि किस तरह से हमारे पास जीनोम जो है वो हमारे पास वो फिट इन होता है इस छोटी सी हमारे पास एंटिटी के अंदर। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है हमें इसको समझनी पड़ेंगी इसको स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं जीन के साथ। व्हाट इज जीन? तो जीन इज क्लासिकली डिफाइंड एज अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम दे डिटरमिन्स आर अफेक्ट अ सिंगल कैरेक्टर आर फिनोटाइप। कैरेक्टर क्या है? कोई भी हमारे पास जो है फीचर हो सकता है, और फिनोटाइप हम जो है उसी फिजिकल फीचर को कहते हैं जो कि हमारे पास विद द नेकेड आई देखा जा सकता है, ठीक है? उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। सच एज हम आई कलर के किसी भी बंदे का अगर ब्राउन कलर का आई है या फिर उसका ब्लू है, तो दैट इज द फिनोटाइप, दैट इज करेक्टर। और ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है जी? आपके पास जीन कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, तो जीन की जो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन थी वो प्रपोज की थी ग्रेगर बेडले एंड एडवर्ड टैटम इन 1940s, ठीक है? अब उस टाइम पे उन्होंने जो काम किया था वो बेसिकली हमारे पास जो है एंजाइम्स के ऊपर था। तो बेसिकली उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था, वन जीन वन हाइपोथेसिस उसको कहा जाता है, उसका मतलब ये था कि एक जीन हमारे पास एक ही हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल दैट डिटरमिन्स अ कोड फॉर वन एंजाइम, कि वो हमारे पास एक एंजाइम के लिए हमारे पास क्या करता है, जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि कोड उसके अंदर होते हैं एक एंजाइम के लिए, ठीक है? और लेटर ऑन इसको ब्रॉड कर दिया गया और उसको वन पॉलीपेप्टाइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर के हम देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसकी बेस पे हमें ये पता चला था कि हमारे पास जितने भी हमारे पास मौजूद हैं जीन्स मौजूद हैं, वो ना सिर्फ एंजाइम्स बना रहे हैं बल्कि वो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स भी बना रहे हैं। तो इस वजह से इसको ब्रॉड करके पॉलीपेप्टाइड के ऊपर ले गए थे। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मॉडर्न बायोकेमिकल डेफिनेशन की तरफ हम जाएं, तो अ जीन इज ऑल द डीएनए दैट इनकोड्स द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ सम फाइनल जीन प्रोडक्ट दैट कैन बी आइदर अ पॉलीपेप्टाइड आर एन आरएनए विद अ स्ट्रक्चरल ऑर कैटालिटिक फंक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है जी, कि अगर वो एंजाइम होगा तो उसके अंदर जो है हमारे पास कैटालिटिक फंक्शन उस परफॉर्म करना है उसने, ठीक है? उसके अलावा वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हो सकती है जो डिफरेंट अदर प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब यहां पर जो हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जीनोम को समझना जरूरी है कि जीनोम क्या है। कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड अ सेल और ऑर्गेनिज्म, आपके ऑर्गेनिज्म या फिर अगर के वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उसको हम जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। यहां पे अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू कहते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर हैप्लॉइड सेल, ठीक है? कि आपके एक हैप्लॉइड सेल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ डीएनए मौजूद है उसको हम सी वैल्यू बोलते हैं, और इसको मोस्टली पिकोग्राम्स में हम इसको लेते हैं। और हमारे पास सम टाइम्स आप यूज करते हो वैल्यूज सी वैल्यू, और सम टाइम आप जीनोम साइज की बात करते हो, तो ये हमारे पास इंटरचेंजेबली यूज की जाती है अक्सर। तो सबसे पहले अब क्योंकि हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो हम इसकी तरफ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं। अगर हम बात यहाँ करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ मेम्ब्रेन बाउंड्री न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग इनटू क्रोमोसोम, ये जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो 2 मीटर का लार्जर हमारे पास साइज ऑफ डीएनए मौजूद है उसको हमने किसमें फिट करना है जी, हमारे पास 5 माइक्रोमीटर का हमारे पास क्या है जो न्यूक्लियस है,
ठीक है, उसके अंदर हमने उसको फिट इन करवाना। टू फिट द डीएनए इनटू न्यूक्लियस विच इज फ्यू माइक्रोमीटर्स, ऑन एवरेज की बात करें, लाजमी नहीं है कि हर न्यूक्लियस जो है वो 5 माइक्रोमीटर का हो, और इट हैज टू बी पैक्ड इनटू द क्रोमोसोम। अब उसको कंडेंस किया जाता है, उसको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हमारे पास जो है सुपर कॉइल किया जाता है ताकि वो हमारे पास इस साइज के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, इन यूकैरियोटिक डीएनए द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड बिटवीन सेट ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करते हैं तो 3.2 × 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, और उसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स पर हमारे पास सेल्स हो सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 24 होते हैं, जिसकी बात हम कहते हैं 22 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि हमारे पास दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जा सकते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। मगर क्या होगा कि हमारे पास ओवरऑल कितने होंगे, हमेशा 23 होंगे, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे, और इन दोनों में से कोई भी एक जो है हमारे पास क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा। अगर हम ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग की बात करते हैं तो वेरियस ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग है। फर्स्ट ऑर्डर पैकेजिंग, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है, सेकंड ऑर्डर पैकेजिंग, जिसमें हमारे पास सोलेनॉइड फाइबर की फॉर्मेशन होती है, थर्ड ऑर्डर जिसमें स्कैफोल्ड लूप की फॉर्मेशन होती है, फोर्थ में हमारे पास क्रोमेटिड की फॉर्मेशन होती है, फिफ्थ में हमारे पास जाके क्रोमोसोम बनता है। अगर हम इसको यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो इससे पीछे हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास डीएनए मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। ठीक है, अब ये डीएनए हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास विद प्लस इसके साथ क्या आती हैं, प्रोटीन्स आती हैं, और वो प्रोटीन्स अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनकी मदद से हमारे पास 30 नैनोमीटर का फाइबर पैक न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियोसोम्स हमारे पास फर्दर कंडेंस होते हैं, और हमारे पास इनसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रही है, अगर इसको हम ओपन करके देखें तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसकी अगर फर्दर कंडेंसेशन की बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ से इस तरफ से जा रहे, तो हमारे पास उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो रही है जी, आपके पास स्कैफोल्ड की भी हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जो कि इस तरह से ओपनड है, और अगर हम इसकी तरफ देखें, उसके बाद हमारे पास जो स्कैफोल्ड है, उसके बाद हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास क्या बन गए हैं, क्रोमोसोम स्कैफोल्ड्स बन गए हैं। क्रोमोसोम स्कैफोल्ड्स की हमारे पास फर्दर कंडेंस होता है तो ये हमारे पास क्रोमोसोम बनता है। इसको हम मेटाफेज क्रोमोसोम इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास मेटाफेज वो फेज होती है जो सेल डिवीजन की, जिसमें हमारे पास कंप्लीट क्रोमोसोम देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है बाकी जितनी फेजेस, उसमें इतना अच्छा विजिबल नहीं होता जिसको इजीली देखा जा सके। इसमें हमारे पास डिफरेंट डायमीटर्स इनके मौजूद होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास डीएनए कंपैक्शन मस्ट बी डायनामिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जी, कि हमारे पास डिग्री ऑफ कंडेंसेशन मस्ट अकर क्विकली एंड व्हेन नीडेड। कि हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कभी भी ये नहीं है कि डीएनए ओपन पड़ा होगा, वो कभी भी कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो हमारे पास जब भी उसमें कितने हमारे पास ओपन अप होना है, जब भी उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास उससे हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए हमारे पास उसको हमारे पास क्या होना है, अनकंडेंस होना होता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस इस तरफ जो है, हमारे पास अगर मैं बोलूं लेफ्ट हैंड साइड अगर हम चल रहे हैं, तो ये तब ही हमारे पास जो इस तरह से इसकी अनपैकिंग होगी, और हमारे पास क्या होगा, ये ओपन अप होगा, और फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। और इसके वाइस वर्सा अगर हम बात करते हैं, जब इसको ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर चुके हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये मूव करेगा, मीन कम्पैक्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा क्विक होना चाहिए जब भी जरूरी हो। ठीक है, और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले डबल हेलिक्स डीएनए है, वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारे पास वो कंडेंस होता है, और हमारे पास वहां पे सेंट्रोमेयर की फॉर्मेशन होती है। आप यहाँ पे रेड डॉट में सेंट्रोमेयर देख सकते हैं। फिर कंडेंस होता है ड्यूरिंग प्रोफेज। यहाँ तक जो तीनों स्टेप्स हैं, ये हमारे पास इंटरफेज में हो रहे होते हैं। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 आता है, और M फेज आता है। तो ये हमारे पास G1, S और G2 फेज, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, और बाकी को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जितना भी ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स हैं, जिसमें डीएनए की फॉर्मेशन एस फेज के अंदर हो रही है, फिर उसके बाद हमारे पास हिस्टोन्स की फॉर्म में उसमें कन्वर्ट होना है, उसके बाद उसमें अंदर सेंट्रोमेयर्स आ जाते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस इंटरफेस होने के बाद हमारे पास क्या होता है जी, कि हमारे पास वो प्रोफेज में जाके हमारे पास क्या है, मजीद क्रोमेटिन की फॉर्म में कंडेंस होना शुरू होता है, और क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज हमारे पास कंप्लीटली आप विजिबली देख सकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म पे मौजूद होता है ड्यूरिंग मेटाफेज, इसी वजह से हमारे पास इट इज मोस्ट विजिबल।
दूसरी चीज हम कहते हैं व्हेन इट इज मोस्ट हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म डीएनए इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन एंजाइम, जो बात मैंने बताई आपको कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारे पास इसकी अनपैकिंग होती है। उसकी वजह क्या है कि जब ये कॉम्पैक्ट है, हमारे पास पैक्ड फॉर्म में है, कोई भी हम अगर गिफ्ट की बात करते हैं अगर वो पैक्ड है तो हम उसको अंदर से उसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब तक ये पैक्ड फॉर्म में होगा तो आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है। किसके लिए? आपके पास ट्रांसक्रिप्शनल एंजाइम्स के लिए, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेप्लिकेशन एंजाइम, उसकी रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकती। सो इट मस्ट बी रैपिडली एक्सपोज्ड रीजन कंटेनिंग जीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर गिवन मूवमेंट। तो जहां पे भी आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी है सिर्फ वहां से अनफोल्डिंग होगी, वहां पे सिर्फ अनपैकिंग होगी और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सकता है या फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, और बाकी हमारे पास जो है वो पैक्ड फॉर्म में या कंडेंस्ड फॉर्म में ही रहेगा। और उसके बाद जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है वो दोबारा से कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो विद द सेम स्टेप्स यहां पे कन्वर्ट होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है आपके पास डीएनए कंडेंसेशन का, वो है आपके पास न्यूक्लियोसोम, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द क्रोमोसोम बोथ प्रोटीन एंड डीएनए इज ऑफन रेफर टू एज क्रोमेटिन। जब भी हम बात करते हैं क्रोमेटिन की तो हमारे पास वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर नहीं बना होता, उसके अंदर जो होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और ये प्रोटीन्स क्या हैं जी? हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाती हैं। इनके ऊपर हमारे पास डीएनए जो है वो हमारे पास रैप्टअप होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे बात अगर करते हैं तो प्रोटीन कंपोनेंट इज अबाउट इक्वल इन मास टू द डीएनए कंपोनेंट। जितना आपके पास डीएनए कंपोनेंट है उतना ही प्रोटीन कंपोनेंट मौजूद होता है, ठीक है। हिस्टोन कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द क्रोमेटिन। क्या आप क्रोमेटिन के अंदर जो है सबसे ज्यादा अगर कोई टाइप ऑफ प्रोटीन पाई जाती है तो वो हिस्टोन प्रोटीन ही पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनाती है? ऑक्टोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टोमर क्या होता है जी? हमारे पास 8 यूनिट्स होते हैं इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या है, ये हमारे पास जो ऑक्टोमर बनता है तो ये हमारे पास ओवरऑल एक सर्कुलर शेप बन रही होती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमारे पास जो है न्यूक्लियोसोम जो होता है हमारे पास वो उसके ऊपर डीएनए जो है हमारे पास रैप्ड अप होता है इस फॉर्म में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ऑक्टोमर बना है और उसके ऊपर ये डीएनए रैप्ड अप हुआ है और उसके बाद ये हमारे पास एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम बन चुका है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसोम की, तो उसमें हमने क्या कहा जी कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक डीएनए है, दूसरा हिस्टोन है। अब यहाँ पे हिस्टोन से की न्यूक्लियोसोम की तरफ जाने से पहले दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली आपके पास जो हिस्टोन होती हैं वो होती हैं हिस्टोन प्रोटीन जो आपके पास मौजूद होती हैं आपके जीनोम के अंदर, वो होती है H1, H2A, H2B, H3 and H4। अब जो हम ऑक्टोमर की जो बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये चार प्रोटीन हमारे पास इन्वॉल्व होती है, इसमें H1 इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो H1 के इन्वॉल्व न होने की वजह क्या है कि ये बाद में हमारे पास ऊपर जो है बांधने का काम करती है, नॉटिंग करने का काम करती है। अब यहाँ पे जितने भी H2A, H2B, H3 और H4 मौजूद हैं ये हमारे पास सिंगल नहीं होते, ये दो दो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जब भी दो दो मौजूद हैं तो अगर हम इनको क्या करें, ऐड करें, तो ये ओवरऑल 8 प्रोटीन्स बनती हैं। और जब ये हमारे पास देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो दैट इज वाई इसको हम ऑक्टोमर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, डायमेरिक फॉर्म में मौजूद होती है। और ओवरऑल अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम के अंदर जो ऑक्टोमर है उसके अंदर कितनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो वो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स मौजूद होती हैं, ठीक है। मगर वो डायमेरिक फॉर्म में मौजूद होती हैं, दैट इज वाई वो ऑक्टोमर बना रही होती है। एच वन जो होता है ये ऊपर से नॉटिंग करने का काम करता है, बांधने का काम कर रहा है, ठीक है, डीएनए को, ताकि उसके ऊपर से स्लिप आउट ना हो सके, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक चीज आपको याद रखनी है कि आपके पास यहाँ से अगर हम देखते हैं डीएनए जो स्टार्ट हुआ रैप्ड अप होना और यहाँ तक ओवरऑल आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास अराउंड 140 डीएनए बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, 140 to 144, ठीक है। 60 बेस पेयर जो होते हैं आपके पास लिंकर डीएनए, मीन आपके पास दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान जो डीएनए मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 60 बेस पेयर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी आपके पास हिस्टोन मौजूद है आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, और वो बेसिक अमीनो एसिड क्या है, आर्जिनिन और लाइसिन। यहाँ पे याद रखना आपने कि आर्जिनिन और लाइसिन जो है ये हमारे पास
पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है। तो हमारे पास इसी वजह से आपका डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आर्जिनिन और लाइसिन के साथ जो है हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन भी बनाता है। दैट इज वाई के हमारे पास वो इसके ऊपर हमारे पास टाइटली रेप्ड अप हो सकता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज ना होते तो डीएनए किसी भी तरह से इसके साथ जो हमारे पास बॉन्डिंग ना कर सकता। अब हम बात करते हैं आर्जिनिन और लाइसिन की, तो दे आर अबाउट 25% ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज ऑफ ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन। जितनी भी प्रोटीन है उनका 25% जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आर्जिनिन और लाइसिन के ऊपर बेस करता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हाईली कंजर्व्ड होती है पूरे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, कि उनके अंदर जितने मोटर्स हैं वो हाईली कंजर्व्ड हैं, उनके अंदर चेंजेस इतनी खास नहीं होती। हिस्टोन H3 और H4 जो हैं वो हमारे पास सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है आइडेंटिकल होती हैं, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या सजेस्ट करें, कंजर्वेशन ऑफ देयर फंक्शन सजेस्ट कर रही है। हिस्टोन H1, H2, A एंड H2B शो लेस सीक्वेंस सिमिलरिटी बट ऑन द होल दे आर मोर कंजर्व देन अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास क्या है कि लेस सीक्वेंस सिमिलरिटी मीन अगर मैं डिफरेंट स्पीशीज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंट स्पीशी के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इनकी का कंपेयरिज करना स्टार्ट करूँ तो ये हमारे पास सीक्वेंस सिमिलरिटी तो कम होगी मगर क्या है फंक्शनल कंजर्वेशन जो है इनके अंदर ज्यादा मौजूद है। ओवरऑल हमारे पास अगर बात करते हैं ऑल फोर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन चार जो है हमारे पास कौन सी, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास जो कोर के अंदर जो मौजूद होते हैं न्यूक्लियोसोम के अंदर, ठीक है, इनके अंदर 100 to 135 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और ये हमारे पास क्या है एक हिस्टोन फोल्ड बना रहे होते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं मोटिफ। मोटिफ क्या है, मोटिफ आपको याद रखना है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट हैज एनी फंक्शनल फंक्शन, जिसका कोई भी फंक्शनल फंक्शन हो सकता है, जो फंक्शनल हो जाता है जो यूनिट वो उसको हम मोटिफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हिस्टोन फोल्ड्स हैं इनके अंदर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 3 अल्फा हेलिसेस से मिलके बने होते हैं एंड 2 लूप्स, ये सेंटर के जो है हमारे पास जो है 2 लूप्स हैं और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है अल्फा हेलिसेस है, ठीक है, और ये हमारे पास इसके अलावा इनकी एंड टर्मिनल चेन्स होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट अदर कोवलेंट मॉडिफिकेशंस में इन्वॉल्व होती है। मगर ओवरऑल अगर बात करते हैं मोटिव्स की तो ये इन चारों के अंदर हमारे पास क्या है हिस्टोन फोल्ड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास जो है कंजर्व होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा आप देखेंगे H4 और H3 जो है आपस में क्या करते हैं बाइंड करते हैं। आपके पास क्या कहा था मैंने कि आपके पास 2 H4 के यूनिट्स हैं और 2 H3 के यूनिट्स होते हैं, एक H3 एक H4 के साथ बाउंड करता है और दूसरा H3 एक दूसरे H4 के साथ, तो ओवरऑल आपके पास क्या बनते हैं 2 डायमर बनते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा कि एक H2A एक H2B के साथ करेगा और सिमिलरली आपके पास क्योंकि दूसरे यूनिट्स मौजूद हैं तो वो भी बाइंड करेंगे। उसके अलावा आपस में उसके बाद ये क्या करते हैं हमारे पास अगेन से ये सारे यूनिट्स आपस में बाइंड करते हैं तो ओवरऑल आपके पास एक ऑक्टोमेरिक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्टोमेरिक हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो फोर्सेस जो हैं वो डीएनए हिस्टोन की इंट्रेक्शन को स्टेबलाइज कौन कर रही हैं, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 142 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं हमारे पास डीएनए और हिस्टोन कोर प्रोटीन्स के दरमियान बन रहे होते हैं, जो हमारे पास H2A, H2B, H3 और H4 हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनके दरमियान और डीएनए के दरमियान बनते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी बॉन्ड हैं ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स और हमारे पास क्या है डीएनए के दरमियान बन रहे हैं, और अमाइनो एसिड्स मैंने जो आपको बताया था वो कौन से होंगे आपके पास आर्जिनिन और लाइसिन होंगे, क्यों, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, आर्जिनिन और लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनके दरमियान आपस में इंट्रेक्शन हो रही होती है। दूसरे जो आपके पास इंट्रेक्शन होती है जो फोर्सेज होती है जो स्टेबलाइज कर रही होती है कि डीएनए उसके ऊपर से जो है वो रिलीज ना हो जाए, वो उसके ऊपर से स्लिप आउट ना कर जाए, तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शंस भी वहां पे मौजूद होती हैं और साथ में साल्ट ब्रिजेस भी होती हैं जो कि हमारे पास प्रोटीन और डीएनए को होल्ड टुगेदर करती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 1/5 ऑफ द अमीनो एसिड जो है हमारे पास क्या है लाइसिन है या फिर आर्जिनिन है, और यहाँ पे जो है नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज जो है हमारे पास जो इंट्रेक्शन होती हैं उसकी बेस पे भी हमारे पास आपस में बॉन्डिंग हो रही थी। याद रखना आपने ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो अमाइनो एसिड्स और डीएनए के दरमियान होगी, कि वहां पे हमारे पास चार्जेस की बात नहीं होगी, वहां पे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आपके पास क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, जबकि जो थर्ड की सिनेरियो है इसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बेस पे हमारे पास क्या हो रहा है जी हमारे पास ओवरऑल इंट्रेक्शन हो रही है, और इन सारी चीजों की वजह से ही आपके पास जो है
स्टोन ऑक्टोमर जो होता है वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाता है। स्टोन ऑक्टोमर की अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास सबसे पहला जो एविडेंस कि हमारे पास किस तरह से ये पता चला जी कि आपके पास हिस्टोन ऑक्टोमर्स मौजूद हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, डीएनए जो है हमारे पास एक स्टडी के अंदर क्या हुआ कि डीएनए जो कि पैक्ड इनटू रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स है, वो हमारे पास क्या हुआ कि क्रोमोसोम डीएनए से ही आता है, उसको सबसे पहले ट्रीट किया गया हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियस से। डीएनए न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जहां पर भी डीएनए मौजूद है वो उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है। मगर क्या था कि हमने क्या कहा कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास डीएनए जो लिंकर डीएनए है वो सिर्फ ओपन है, जबकि जो हमारे पास हिस्टोन के साथ बाउंडेड है वो ओपन नहीं है, तो वहां पे हमारे पास न्यूक्लियस एक्ट नहीं कर सकता। वो एक्ट करेगा भी तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिंकर रीजन के ऊपर एक्ट कर सकता है और वहां से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमारे पास जब इसके ऊपर उसने एक्ट किया तो डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स बने और उनको बाद में एग्रोस जेल के ऊपर जब एनालाइज किया गया तो हमारे पास यहाँ से दो केसेस आ सकते हैं। अगर कि डीएनए आपके पास बाइंड ना होता या फिर हमारे पास डीएनए बाइंड था, तो इफ डीएनए इज पैक्ड बाय प्रोटीन, अगर डीएनए पैक्ड बाय प्रोटीन है तो हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर साइज। अब ये देखेंगे कि आपके पास पर्टिकुलर साइज, ये एक पर्टिकुलर साइज है, ये एक पर्टिकुलर साइज है और ये एक पर्टिकुलर साइज, तो सेम साइज के हमारे पास यूनिट्स हमारे पास अपीयर होने चाहिए, ठीक है, और जो कि हमारे पास प्रोटेक्टेड के फॉर्म में आए। और इसी तरह से हुआ कि जब हमारे पास इसको एनालाइज किया गया तो आपके पास 200 बेस पेयर के हमारे पास जो हैं सीरीज ऑफ रेगुलर स्पेस डीएनए बैंड्स देखे गए, और इस बेस पे हमने क्या कहा जी कि डीएनए इज पैक्ड बाय प्रोटीन्स जो कि हमारे पास इन यूनिट्स के ऊपर है। अगर कि हम कहते कि हमारे पास ये पैक्ड नहीं है तो हमारे पास क्या होता कि डीएनए न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास जाके सारे के सारे डीएनए जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको पैक कर देता और ओवरऑल हमारे पास जो है यूनिट्स मौजूद ना आते और वो हमारे पास जितने भी बैंड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मीन कि आप उसको बेस पेयर की बेस पे कह सकते हैं, सिंगल बेस पर, मगर यहाँ पे क्योंकि लार्जर आपके पास जो है पर्टिकुलरली साइज आपके पास यूनिट्स आ रहे थे, तो दैट इज वाई कि आप कह सकते हो जी कि ये पैक्ड फॉर्म में मौजूद है प्रोटीन के साथ। इस वजह से हमारे पास हमने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कहा कि डीएनए इज पैक्ड बाय प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं, हमने जैसे कहा कि 200 बेस पेयर के जो है डिफरेंस से यूनिट्स मौजूद थे, 200, 400, 600, 800 एंड 1000, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये फ्रेगमेंट्स की बेस पे ही हमने ये सारा कहा कि हमारे पास जो डीएनए है वो पैक्ड बाय प्रोटीन। अब यहाँ पे देखते हैं, isolated chromatin was treated with nuclease and analyzed by gel electrophoresis. सबसे पहले उसको ट्रीट किया गया किसके साथ, nuclease के साथ, और agarose gel electrophoresis पे उसको analyze किया गया। उसके बाद the result was DNA ladder of fragment they differed in length by 200 base pair. उनके अंदर 200 base pair का difference आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास जो units हैं वो 200 base pairs के मौजूद हैं, ठीक है, और हमारे पास इसी बेस पे ये कहा गया कि आपके पास जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ पैक्ड है और वो 200 यूनिट्स का हमारे पास बना रहा है। 140 जो है, 140 टू 144 अराउंड आपके पास ऑक्टोमर मौजूद है और 60 आपके पास लिंकर डीएनए के अंदर मौजूद है, तो ओवरऑल 200 बेस पेयर का आपके पास यूनिट बनता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आ गया था कि हमारे पास चलें ये मान लिया कि आपका डीएनए जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर पैक्ड है, तो आपके पास प्रोटीन कौन कौन सी तरह की हैं, तो इसमें हमारे पास जो सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड यूज होता है वो हम कहते हैं एसडीएस पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमारे पास क्या यूज किया जाता है, एसडीएस को यूज किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमने प्रोटीन्स और डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, एसडीएस के साथ। एसडीएस क्या है, डिटर्जेंट का काम करता है, और आपको पता है कि जब भी आपके पास डिटर्जेंट को ट्रीट किया जाए, प्रोटीन्स को जो है डिटर्जेंट के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट कर जाता है और हम प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लेते हैं और उसके प्रेसिपिटेट के अंदर हमारे पास सारी प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एसडीएस पेज के ऊपर एनालाइज करते हैं। एसडीएस पेज क्या है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की ही टाइप है मगर ये प्रोटीन्स के लिए होती है स्पेसिफिकली, ठीक है। अब होता क्या है कि उसको जब हमने उसको एनालाइज किया तो हमने क्या देखा कि वहां पे हमारे पास डिफरेंट बैंड आए, जिस तरह हमारे पास डीएनए के आए थे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बैंड आए और हर एक बैंड हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा होता है। तो हमने देखा जी यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 5 हमारे पास आई यही हमारे पास प्रोटीन्स, एक तो 4 आई जो कि हमारे पास इकट्ठी हमारे पास मौजूद थी, H3A, H2A, H2B और H4, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल रेशियो के अंदर मौजूद थी, जबकि जो फिफ्थ थी वो H1 जो कि हमारे पास जो है बहुत कम पाई जा रही थी, अबाउट हाफ पाई जा रही थी। हाफ किस तरह से कि जो हमारे पास ये जो 4 हैं इनकी जितनी भी अमाउंट आ रही थी उसका हाफ मौजूद था H1, तो उसकी बेस पे हमने कहा कि हमारे पास ये जो बाकी हैं ये हमारे पास डबल अमाउंट में मौजूद हैं देन
H1, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज हमें पता चली कि हमारे पास H1 जो है वो लाइसिन के अंदर काफी रिच होती है, कि उसके अंदर लाइसिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जबकि बाकी के अंदर आर्जिनिन और लाइसिन कॉमनली इकट्ठा ज्यादा पाया जाता है। अब 5 स्टोन्स का जब मॉलिक्यूलर वेट बाद में फाइंड किया गया तो वो इट वॉज अराउंड 11,000 to 21,000 था, ठीक है। न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करते हैं, कॉर्नबर्ग सजेस्ट किया उसके बाद कि मोस्ट ऑफ द 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इन द डीएनए यूनिट इज रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टोमर और कंपोज्ड ऑफ टू कॉपीज ऑफ हिस्टोन के। उसके अंदर क्या है, H2A, H2B, H3 और H4 की दो कॉपीज हैं जैसे हम प्रीवियसली बता चुके हैं, एंड 4 हिस्टोन्स हैव केम टू बी द कोर हिस्टोन, और इनको हम क्या कहते हैं, कोर हिस्टोन्स कहते हैं, जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ द डीएनए सर्व्स एज अ लिंकर, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक मौजूद है इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए बोलेंगे, ठीक है। और इसको हमारे पास जो है कौन बाइंड करके रखता है, आपके पास हिस्टोन H1 कर रहा होता है, ठीक है। और जब भी अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन की फॉर्मेशन होगी तो हिस्टोन ऑक्टोमर फॉर्म इंडिविजुअल हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, कि जब भी हमारे पास जो है ऑक्टोमर की फॉर्मेशन करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन की बेस पे नहीं बनेगा, वो हमेशा उसको साथ में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए होगा तो तब ही हमारे पास जो है कंप्लीट न्यूक्लियोसोम बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हिस्टोन H1 बाइंड्स न्यूक्लियोसोम टू फॉर्म द क्रोमेटोसोम। अब हम तक हमने जो चीज बात की तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि आपके पास क्या था, आपके पास डीएनए है, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके ऊपर मौजूद है, आपके हिस्टोन कोर प्रोटीन्स के ऊपर मौजूद है। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। इसके अंदर 4 टाइप ऑफ हिस्टोन मौजूद हैं प्लस डीएनए मौजूद है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं बेस पेयर्स की तो इट इज अराउंड 140 to 144 बेस पेयर्स का ये होता है। मगर याद रखना है इसके अंदर अभी हमने H1 प्रोटीन्स की एडिशन की बात नहीं की। तो अब क्या होता है कि अब हम बात करें क्रोमेटोसोम की, तो हिस्टोन ऑक्टोमर एंड एसोसिएटेड डीएनए दैट फॉर्म्स द न्यूक्लियोसोम कंबाइंस विद द हिस्टोन H1 टू फॉर्म द क्रोमेटोसोम। जब भी उसके साथ H1 आ जाएगा तो वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम न्यूक्लियोसोम नहीं, उसको हम बोलेंगे क्रोमेटोसोम। इन द एडिशन ऑफ H1 टू द न्यूक्लियोसोम रिजल्ट्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ एडिशनल 20 to 22 बेस पेयर। अब क्या होता है, इसकी वजह से जब भी H1 आता है तो एडिशनल 20 to 22 बेस पेयर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, वो उस न्यूक्लियोसोम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास जो ओवरऑल साइज होता है वो 144 to 144 के बजाय एक्सीड करके 160 to 166 बेस पेयर तक चला जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखने की है कि हमारे पास जो H1 सब यूनिट होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास 2 कॉपीज के अंदर मौजूद हो सकता है, मीन के इसके अंदर 2 यूनिट्स होते हैं जहां पे आप के ये डीएनए को होल्ड कर सकते हैं। मीन सिंपल आप कह सकते हैं कि 2 डीएनए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक जहां से ये देखें अब ये डीएनए आ रहा है घूम के, अब ये इसके अंदर से होकर दोबारा से गुजर रहा है, जबकि दूसरी साइड का जो लिंकर डीएनए है ये फ्री होता है, ठीक है। लिंकर डीएनए जो स्ट्रैंड बनेगा ये फ्री होगा और ये इसको अगले न्यूक्लियोसोम का जो है H1 जो है वो इसको होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। और इसी की बेस पे आपके पास जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो स्लाइड भी करते हैं अपने रीजंस ऑफ द डीएनए और एक्सपोज करते हैं जो कि जीन्स होते हैं और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। तो यहाँ पे आज हमने बेसिक जो लेक्चर था वो हम कवर कर चुके हैं और यहाँ पे हमने न्यूक्लियोसोम की और क्रोमेटोसोम की फॉर्मेशन की बात कर ली है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो चीज है कि हमारे पास किस तरह से आगे हमारे पास फर्दर जो है जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, किस तरह से हमारे पास जो है सारी की सारी जितनी भी हमारे पास कंडेंसेशन होनी है, बाकी हमारे पास लूप्स की फॉर्मेशन किस तरह से बनेंगी, सोलेनाइड्स किस तरह से बनेंगे, हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम तक हम जाएंगे तो वो सारी किस तरह स्ट्रक्चर होंगे ये फर्दर हम लेक्चर्स के अंदर देखते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही लेक्चर था कि हमारे पास न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है।